भोजपुरी इंडस्ट्री अभी त्रिशा कर्मधु के लीक हुए एमएस का कहर झेल ही रही थी, तभी भोजपुरी एक्ट्रेस प्रियंका पंडित की भी एमएस लीक होने की खबर सामने आई है। जी हां, त्रिशा के एमएस से इंडस्ट्री में हड़कंप मचा ही था, तभी प्रियंका पंडित के लीक हुए एमएस की खबर ने सबको चौंका दिया है और सभी ये सोच रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ही एमएस लीक होने के बाद प्रियंका पंडित का बयान सामने आया है, जिसमें प्रियंका ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो हम आप सभी को प्रियंका की वो बातें बताएं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप सब इस चैनल के माध्यम से कोई प्रचार कराना चाहते हैं या फिर अपने टैलेंट को हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर मैसेज कर सकते हैं। लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। त्रिशा कर्मधु की ही तरह हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रियंका पंडित का एमएमएस वायरल हो रहा है और लोग जमकर प्रियंका को ट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं इस वीडियो को लेकर कुछ खबरें सामने भी आई हैं, जिसमें ये पता चला है कि प्रियंका का ये वीडियो बहुत पुराना है और इसे नया वीडियो बताकर हर ओर शेयर किया जा रहा है और प्रियंका को बदनाम किया जा रहा है। तो वहीं इन सब चीजों पर प्रियंका बहुत ही बेबाकी से अपनी बातें रख रही हैं। प्रियंका ने अपने हाल ही में दिया इंटरव्यू में बताया है कि कोई उनसे दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा कर रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। प्रियंका ने इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वीडियो उनका है ही नहीं। प्रियंका का कहना है कि वीडियो में दिख रही लड़की उनके जैसे दिख जरूर रही है, लेकिन वो नहीं है और ना ही उनका ये वीडियो है। जहां त्रिशा ने अपने वायरल हुए एमएस को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, वीडियो में वही है, तो वहीं प्रियंका ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया है कि उस वीडियो में वो नहीं है, ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। इससे पहले भी प्रियंका विवादों में आ चुकी हैं। इससे पहले बहुत ही तगड़ा विवाद हुआ था इनका खेसारी लाल यादव के साथ, जिसे लेकर प्रियंका बहुत ट्रोल हुई थी। प्रियंका ने ये भी कह डाला था कि वो खेसारी लाल यादव को कोई सुपरस्टार नहीं मानती, भोजपुरी में केवल एक ही सुपरस्टार है और वो है पवन सिंह। इस बात को लेकर प्रियंका विवादों में भी आई थी, यहाँ तक कि प्रियंका ने खेसारी के साथ काम करने से भी इनकार कर दिया था। इस कंट्रोवर्सी के बाद प्रियंका अपने एमएस को लेकर चर्चाओं में फिर आई हैं और इन पर भी लोग खूब भड़के हुए हैं। वेल, इस खबर पर आप सबकी क्या है राय और क्या वीडियो में सच में प्रियंका है या नहीं, बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।